नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आप आईएएस में। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2019 का प्रीलिम्स अभी हाल ही में हो चुका है, तो इस प्रीलिम्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ और पूरा एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, हिस्ट्री के जो पहले सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज जब हम बात करते हैं, हिस्ट्री से 25 से 27 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे। पॉलिटी के जो क्वेश्चन थे 17 से 19 क्वेश्चन, ये भी मॉडरेट थे। जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पूरे 25 से 27 जो कि डिफ़िकल्ट थे। इसके अलावा ज्योग्राफी के जो थे 20 से 22 प्रश्न थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे। इसके अलावा इन्वायरमेंट इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं, 16 से 19 प्रश्न थे मॉडरेट लेवल के। इकोनॉमी के 9 से 10 मॉडरेट, और करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल इवेंट के 20 से 22 जो कि इजी थे बिल्कुल। और यूपी हिस्ट्री के 2 से 3 प्रश्न मॉडरेट लेवल के थे। वहीं यूपी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो 2 से 3 मॉडरेट प्रश्न थे। यूपी इकोनॉमी के 1 से 2 जो कि मॉडरेट थे। इसके अलावा यूपी की पॉलिटी के 1 से 2 वो भी मॉडरेट लेवल के थे। तो यूपी पॉलिटी के 1 से 2 मॉडरेट, यूपी के करंट अफेयर से 2 से 3 ये भी मॉडरेट थे। तो अगर ओवरऑल 150 प्रश्नों की देखी जाए तो डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो मॉडरेट रहा। तो अब टॉपिक वाइज जब हम बात करते हैं, हिस्ट्री से टेनेंसी रिफॉर्म एक्ट के ऊपर एक प्रश्न था, तानसेन के ऊपर एक प्रश्न था, अमीर खुसरो के ऊपर एक प्रश्न था, पल्लव की कैपिटल कहाँ थी ये एक प्रश्न था, रबिया दुर्रानी शेर शाह और हुमायूं टॉम के ऊपर एक प्रश्न था। इसके अलावा जो प्रश्न हैं, मनसबदारी से एक प्रश्न था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मंगलोर और सलबाई ट्रीटी के ऊपर, पूना पैक्ट के ऊपर एक प्रश्न था, क्रिप्स मिशन के ऊपर था, लॉर्ड कर्जन के बारे में भी था, मजदूर किसान शक्ति संगठन ये किससे रिलेटेड है इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, और सीआर फार्मूला ये किसने दिया था, इकता सिस्टम क्या है, नेटिव मैरिज एक्ट ये कब पास हुआ था इसके ऊपर एक प्रश्न था, प्रबना इका संथाल मूवमेंट के ऊपर एक प्रश्न था, INA ट्रायल के ऊपर भी एक प्रश्न था। वहीं पॉलिटी की जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 30 के ऊपर, 11th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, टाइप्स ऑफ रिट्स, मैंडमस, हेबियस कॉर्पस ये सब चीज़ों के ऊपर एक प्रश्न था। मनी बिल का सीधे सीधे प्रश्न आ गया था कि किस तरीके से, मतलब कौन से आर्टिकल में मनी बिल है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर, शेड्यूल 2 शेड्यूल 10 के ऊपर, स्टेट एंड यूनियन लिस्ट के ऊपर सीधे सीधे एक प्रश्न था। इसके अलावा जो जनरल साइंस की जब हम बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म विच हैज़ वाइट ब्लड इसका एक प्रश्न था, बबल रेडियस के ऊपर एक प्रश्न था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के ऊपर एक प्रश्न था। इसके अलावा ग्लैंड्स विच एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड ये क्वेश्चन था। इसके अलावा दोस्तों, क्वेश्चन था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर, तुलसी प्लांट के ऊपर रिफ्लेक्शन था कि तुलसी प्लांट के ऊपर एक क्वेश्चन था कि वो इंटरनल, मतलब वो किसकी वजह से वो करता है। इसके अलावा विटामिन B6 B2 E K इनके ऊपर क्वेश्चन था, प्रोटीन सब्सटेंसेस के ऊपर एक क्वेश्चन था, साइक्लोन्स टाइप ऑफ साइक्लोन इसके ऊपर, ट्रांस साइबेरियन रेल रूट, लेक्स, मोरिबन डेल्टा ट्राइब, देयर लोकेशन, करेक्ट सिक्वेंस ऑफ हिल ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड वेस्ट ईस्ट, इम्फाल बेसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ प्लेन, विच ए रीजन इज नोन एज लैंड ऑफ बिग गेम्स ये एक प्रश्न था। इसके अलावा दोस्तों, IMF का डायरेक्टर गीता थुनबर्ग, रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी कितने तक है, ISA हेडक्वार्टर, फर्स्ट UT ऑफ इंडिया विच रन्स बाई सोलर एनर्जी मिजोरम, क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन इनॉग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जयपुर, बुक राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, UN क्लाइमेट समिट 2019, नेशनल पंचायती राज डे, डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी ग्लोबल 500 अवार्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया इज मैनेज्ड बाय, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडियाज लार्जेस्ट चरखा, इसरो ने जो चंद्रयान लॉन्च किया वो किस व्हीकल से किया, और मिसलेनियस पे दोस्तों कंट्री और उसकी कैपिटल। तो दोस्तों, ये सभी जो प्रश्न थे इतने सरल से लेके मॉडरेट थे। तो UPPCS की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2019 की हम बात कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे, नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो दोस्तों, नंबर ऑफ पोस्ट जो थी वो 309 थी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी डाटा आया नहीं है तो कह नहीं सकते कि कितना वो है, मगर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जितने भी सेंटर्स पे हमने जो सर्वे किया उसके आधार पे जो लगाया जा रहा है वो
33 से लेके 138 जो है संभावित है UPPCS, क्योंकि 2018 में 831 पोस्ट थी और 398,630 स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई किया, तो 128 कट ऑफ गई थी। वहीं 2017 में जब वो था तो 677 स्टूडेंट्स ने जो है टोटल अप्लाई किया था और 677 पोस्ट थी और 2,46,654 स्टूडेंट्स ने जो है अपियर हुए थे और इसमें भी 128 कट ऑफ गई थी। तो निश्चित तौर पे 133 से लेके 138 तो कट ऑफ जाएगी ही जाएगी, तो आप लोग जो वो हैं वो एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों पिछले बार भी ये हुआ था कि कुछ छात्रों के जो है अंक बढ़ गए थे, वो इसलिए बढ़े थे कि UPPCS ने जो कुछ प्रश्न थे उनके जो उत्तर जो थे वो गलत जो थे उनको सही वो मान लिया था। तो दोस्तों ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो UPPCS की कट ऑफ है वो सबसे सटीक है और काफ़ी सेंटर्स पे एनालाइज करने के बाद हम ये कट ऑफ आपके लिए लाए हैं। तो आगे जो है हम अगली वीडियो में जो है UPPCS का पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, तो वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा क्योंकि आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है हम डाटा कलेक्ट करने के बाद एनालाइज कर रही है पूरी टीम, वो आपके लिए ला रही है। तो दोस्तों बने रहिए आप IAS के साथ। इसके अलावा दोस्तों हमारा मेन्स आंसर राइटिंग का ग्रुप चल रहा है और भी हमारे बहुत से इनिशिएटिव चल रहे हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और आगे की जो भी वीडियोज़ हैं उनको आप दोस्तों। इसके अलावा हमारा जो है मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव एक ग्रुप चल रहा है, जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर से जुड़ जाइए 9994-94-360। दोस्तों ये जो लिंक है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके UPPCS का प्रीलिम्स क्वालिफाई लगभग लगभग आप लोग कर रहे हैं मगर मेन्स आपकी जो है आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ सकता है, मगर आप इस वीडियो में जो ये लिंक दिया जा रहा है ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है और दिल्ली के जितने भी एक्सपर्ट टीचर्स हैं वो आपकी कॉपी बाई टॉपर्स आपकी कॉपी चेक होगी, दिल्ली के एक्सपर्ट टीचर्स इनको अवेलेबल करेंगे। तो कृपया इस नंबर पे आप लोग जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए आप IAS, और फेसबुक इंस्टाग्राम सब जगह आप हम लोग से उससे जुड़ सकते हैं, और कोई भी क्वेरी है तो आप निश्चिंत होकर कमेंट सेक्शन और इसमें पूछ लीजिए। हमारी प्रिलिम्स के लिए एक स्पेशल सीरीज चल रही है प्रिलिम्स 2020, ऊपर आई आइकन में आपके लिए वो जो है डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा और वीडियो में थोड़ी देर बाद एंड में मैं वो वीडियोज़ भी लगा दूंगा। तो दोस्तों वो प्रिलिम्स UPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं, आपके लिए पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं, क्रैश कोर्स पूरा करंट अफेयर का लेके आ रहे हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मटेरियल सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेलीग्राम फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह हमसे जुड़ जाइए, फ्री मटेरियल बिल्कुल फ्री कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।